तो भैया दिल्ली में खुल चुका है सबसे सुंदर एक मस्त वाला पार्क जहाँ पे आप फैमिली के साथ घूमने आ सकते हैं। जगह का नाम है बांसेरा और ये जगह है सराय कालेखा मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने, यानी पास में आपको एक और ड्रैगन पार्क मैंने दिखाया था कुछ दिनों पहले ही, बस उसी के जस्ट सामने ही है। रोड उस पार आपका वेस्ट वंडर है और रोड इस पार आपका बांसेरा पार्क है। और ये पार्क यमुना नदी के अंदर आता है, यमुना नदी के मतलब अंदर नहीं, यमुना नदी के साथ में बना हुआ है, यमुना नदी के घाट पे। भैया यहाँ आ सकते हैं, बहुत सारे फूल देखने को मिलेंगे, एक से सुंदर सुंदर ट्यूलिप वाले फूल वो मैंने आपको दिखाए हैं, वो सब देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपको बांसों की बहुत सारी प्रजाति मिलेगी, लगभग 30,000 से ज़्यादा बांसों के पेड़ देखने को मिलने वाले हैं, तो इतना सब कुछ तो है ही। बाकी यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे आप फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हो, और बहुत बहुत बड़े एरिया में ये फैला हुआ है, तो यहाँ पे आप पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। दिन में तो एंजॉय कर ही सकते हो, साथ ही साथ शाम के टाइम पे आपको यहाँ पे लेज़र लाइट शो भी देखने को मिलने वाला है, जिसकी टाइमिंग 7:30 और 8:30 यहाँ पे लिखा गया है। मगर आपको शाम होते ही पहली एक फर्स्ट मीटिंग वाला जो फर्स्ट टाइम पे स्टार्ट करते हैं वो आपको देखने को मिलेगा, एक 6:30 के आसपास कह सकते हो और एक 7:30 के आसपास ये आपको लेज़र लाइट शो की टाइमिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। बाकी मेरे पीछे भी आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी यहाँ पे वही कश्मीर वाले ट्यूलिप देखने को मिलने वाले हैं, बहुत तरह तरह के विभिन्न प्रकार के यहाँ पे फूल भी देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग को, और यहाँ पे मैं आपको दिल्ली के अंदर इस सुंदर से गार्डन का टूर देता हूँ। ये रहा पार्किंग, छोटा सा पार्किंग है मगर यहाँ पे काफ़ी अच्छा बनाया गया है, गाड़ियाँ आपकी आराम से खड़ी हो जाएंगी। और शाम के टाइम पे आएंगे तो थोड़ा सा क्राउड देखने को मिल सकता है, अभी नया नया है फिर भी यहाँ पे अच्छा खासा क्राउड है। तो भैया अंदर आपको लेक भी देखने को मिलने वाली है, दिल्ली के अंदर लेक सोच सकते हो, दिल्ली के अंदर लेक हो तो किसको अच्छा नहीं लगेगा। बाकी लेज़र लाइट शो देखने के लिए पार्क के अंदर जाते हैं, आपको 50 रुपीज़ चार्ज देना पड़ता है, 10 साल से छोटे बच्चे का कोई चार्ज नहीं है, वो बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकता है 10 साल का बच्चा, मगर किसी बड़े के साथ। तो अगर 10 साल के बच्चे आ रहे हैं, 10 साल से छोटे बच्चे आ रहे हैं, तो भैया किसी बड़े के साथ आएँ तो आपकी एंट्री बिल्कुल फ्री हो जाएगी। और मंडे को क्लोज़ रहता है, बाकी सप्ताह के 6 दिन ये खुला रहता है। तो भैया ये है 50-50 रुपये पर पर्सन की टिकट यहाँ पर काट दी गई है, और कुछ भी ऐसा काउंटर वगैरह नहीं है, मेन जहाँ पे एक एंट्री का बैरियर लगा दिया गया है, बैरिकेडिंग के साथ ही दो लोग बैठे होंगे जो आपकी टिकट ऐसे काटते रहेंगे 50-50 रुपये की। तो मस्त वाली टिकट कटवाइए और अंदर चले आइए, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। ये देखो भाई, ये है फुटपाथ जहाँ से चलते हुए हम जाएंगे अंदर। तो भैया यहाँ पर ऐसे सर्कुलर गार्डन बना हुआ है जिसमें आपको फूल देखने को मिलने वाला है, काफ़ी मस्त सजाया गया है फूलों से इस पार्क को, और ये पार्क बहुत बड़ा है यार अपने में। तो अब यहाँ पे हम लेके आ गए हैं पक्के तालाब की तरफ, पक्का तालाब कह सकते हो या फिर वो वही लेक, और वो वहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होने वाला है शाम के टाइम पे, और काफ़ी मस्त हवा चल रही है इस जगह पे, बैठने में भी मज़ा आएगा, देखो लोग बैठे हुए हैं। झूला झूलने जा रहा हूँ, भैया यहाँ पे रस्सी मिल गई पेड़ पे और झूला झूल सकते हैं, मगर एक चीज़ है कि रस्सी इतनी पतली ना पिछवाड़े में कटता है, ऐसे लग रहा है कट जाएगा। तो भैया ये है देखो, यहाँ पे म्यूजिकल फाउंटेन के लिए कब से उद्घाटन किया था, किस किसने किया था, 22 सितंबर को इसका उद्घाटन किया गया था सराय कालेखा, और यहाँ पे म्यूजिकल फाउंटेन होगा अभी शाम को, वो भी देखेंगे। तो इस ब्लॉग में लास्ट तक बने रहो, देखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। अरे यार असली ट्यूलिप तो यहाँ है यार, अभी मजाक चल रहा था क्या ये? लो भाई अब देखो यहाँ पे ट्यूलिप गार्डन, और यहाँ पे बहुत सारे फूल हैं एक लाइन से, और ये दूसरी जगह है, आगे हम थोड़े निकल आए हैं, और यहाँ पे असली वाला पार्क और ओपन पार्क देखने को मिल रहा है ट्यूलिप का, जिसमें हम टहल सकते हैं, छू सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ये देखो कैसे होते हैं ये, वाह प्यारे प्यारे ट्यूलिप, अच्छा है इनका लास्ट टाइम है ये, जल्दी जल्दी आके देख लो क्योंकि इसके बाद फिर ये देखने को नहीं मिलेंगे, फरवरी लास्ट होता है, मार्च में तो ये ख़त्म होने लगते हैं, मार्च के बाद नहीं देखने को मिलेंगे, मार्च तक आप आके देख सकते हो इसे। देखो भाई यहाँ पे लोग खेल रहे हैं, बच्चे काफ़ी अच्छा अच्छा अलग अलग टाइप के जो आउटडोर गेम्स हो सकते हैं वो सब खेल रहे हैं यहाँ पे, फ्लावर्स लगाए गए हैं अलग अलग यहाँ क्यारियाँ बना के। ये देखो, अरे वो रहा वो चांद वाला एरिया, वो दिख रहा होगा शायद आपको, लेके चलता हूँ अभी उधर। ये देखो भाई बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे की तारीफ़ ही की जा सकती है, बाकी आप लोग खुद आओगे तो अब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। बाकी इधर चलते हैं वो अपने चाँद के पास, हाँ मेरा चाँद नहीं है, किसी का तो चाँद है यहाँ पे, अपना अपना चाँद लेके आना, नहीं सहज चाँद बनाने के लिए ना। ये देखो ये आ गए, वो यहाँ बाइक आ गई यहाँ तक, कैसे लेके आए ये? अच्छा ये डिप अंडर वालों की है, खूब एंजॉय कर रहे हैं ना लोग, देखो पीली पीली फूल की वादियों में सारे कपल ही कपल दिख रहे हैं एक लाइन से, देख कपल ले कपल ले कपल, एक छोटा बच्चा दिखा है काफ़ी प्यारा सा, ओहो। देखो भाई यहाँ से अंदर से ही आपको एक सामने एक मकबरा सा दिख रहा है, ये है निजामुद्दीन का मकबरा, और यहाँ पार्क के अंदर से आपको एक और व्यू मिलने वाला है जिसके साथ आप फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं, मस्त लग रहा है नहीं, काफ़ी सही लग रहा है। ये बनाया गया चांद सा, बहुत प्यारा लग रहा है, यहाँ पे फ़ोटोज़ बड़ी अच्छी आएंगी,
बहुत बड़ा चांद है। देखो एक बच्चे कोई लेडी यानी कोई देवी जी खड़ी हैं और उनके सामने कितना बड़ा लग रहा है ना ये चांद, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छी लाइटिंग्स भी आ रही हैं। और देखो ये शाम का टाइम है, लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं यार भर भर के। अच्छा यहाँ से बम्बू स्टार्ट हो चुके हैं, ये देखो एक लाइन से यहाँ पे बम्बूज बम्बूज हैं, बम्बू। ये देखो बम्बू गार्डन, इसीलिए इसका नाम बम्बू गार्डन रखा गया है, बहुत सारे बम्बूज हैं, बम्बूज के बीच में फ़ोटोज़ खिंचाएंगे, बड़े अच्छे हैं यार। तो दोस्तों ये है पार्क वाला एरिया जहाँ पे ये देवी जी चढ़ी हुई हैं इसके ऊपर और टाइटैनिक वाला पोज दे रही हैं। और साथ में देखो ये कौन सा एरिया, आप लोग बताओ क्या है, कौन सी जगह है ये, यहाँ से दिखाई दे रहा है और पीछे ही अपनी यमुना नदी है और ये अपना पार्क वाला एरिया। भाई काफ़ी सही लग रहा है, बहुत सही जगह है, खूबसूरत शांत और मस्त वाली हवा के बीच आप लोग यहाँ पे आके इंजॉय कर सकते हैं। बैम्बू पार्क, बैम्बू पार्क में घूम रहे हैं मस्त वाले। और ये बांस हमारे देसी बांस से थोड़े अलग लग रहे हैं यार, आपको कैसा लग रहा है? हाँ पीले अभी से ही हो गए हैं, जबकि हमारे यहाँ हरे हरे होते हैं, मोटे मोटे बड़े बड़े, तो ये शायद इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होगी मुझे ऐसा लग रहा है। तो अभी मस्त बैम्बू पार्क में घूम रहे हैं, मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ये पूरा जंगल वाला एरिया है, बहुत दूर दूर तक जंगल है। सामने ये लेक है और यहाँ तो सुकून से बैठ सकते हो, काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेके चलता हूँ वहाँ पे भी। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा बाउंड्री लगा दी गई है, यहाँ पे खड़े होकर आप बालकनी के तरीके से मज़े ले सकते हैं। लो भाई आ चुके हैं अपने नदी के किनारे और मतलब लेक के किनारे नीचे पीछे वाली, और ये जगह मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रही है क्योंकि शांत है, साफ़ है भाई, बिल्कुल गंदगी नहीं है यहाँ पर और बिल्कुल नेचुरल है, नेचर के करीब पानी, जैसे हमारे गाँव में कभी हुआ करता था, जैसे एक पेड़ हुआ करता था थोड़ा सा ऊँचा हुआ करता था, वहाँ आम का पेड़ हो, आम गिरे इस पानी के अंदर टप 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 और जाके उठा के लेके खा के इंजॉय करो, सोचो वो कैसा लगेगा ना। तो ये आम के पेड़ तो नहीं है, शायद जामुन के पेड़ लग रहे हैं मुझे, जामुन का पेड़ है, सोचो सीजन में जामुन आएगा, जामुन गिरेगा, जामुन खाना आप लोग यहाँ पे। बाकी गंदगी बिल्कुल मत फैलाना, नो डंपिंग यार्ड है ये, कोई गंदगी यहाँ नहीं होनी चाहिए। बाकी मस्त साफ़ पानी है, थोड़ी बहुत काई है मगर काई से मतलब नहीं होता, काई तो पानी में होता ही है। जगह बहुत ही खूबसूरत, बहुत साफ़ है, लोग मस्त इन्जॉय कर रहे हैं। और ये जो ऊंचाई है ना, हाइट के पीछे वो वाला अपना पार्क वाला एरिया है, बाकी मज़ा आ रहा है एकदम नेचर के बीच भाई ये जगह बना दी गई है। भाई इससे खूबसूरत और कुछ क्या ही हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि दिल्ली वालों के लिए भाई बहुत मुश्किल होता है कि ऐसी जगह ढूंढ पाना, दिल्ली के अंदर मिल पाना। ये मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिन तक ये साफ़ रहेगा, लोग वैसे गंदगी कर ही देंगे, मगर अगर साफ़ बना रहा तो भाई इससे खूबसूरत जगह और कोई नहीं हो सकती है। तो दोस्तों थोड़ा सा और एक डिफरेंट जगह आए हैं, यहाँ पे लकड़ियों का बना हुआ है, हमें फ़ोटो शूट करवा सकते हैं अच्छी अच्छी, जैसे कि एक ये पॉइंट बना हुआ है, ऐसे एक आगे है और ऐसे और भी हैं, चल के दिखाता हूँ वो, फ़िलहाल ये वाला देखते हैं कैसा लग रहा है। बहुत ही मस्त बनाया गया है यहाँ पे, अभी बीच बीच में फ्लावर्स लगाए गए हैं और ये देखो ये कैसा है, ये गिट्टियाँ निकल रही हैं इसमें, ये गिट्टियाँ भी बड़ी अलग लाई गई हैं, तो ये काफ़ी अलग है। और रात में यहाँ पे लाइटिंग्स होने वाली है, रात को भी यहाँ का लाइटिंग वाला व्यू भी दिखाने वाला हूँ आपको। बीच बीच में ज़मीन में भी लाइट लगी हुई है, देखो ये लाइट्स लगी हुई हैं, प्लस ऊपर ये जो ये डेकोरेशन बनाया गया है ना जहाँ पे फ़ोटोज़ आप खिंचवा सकते हो, इसके अंदर भी लाइट लगाई गई है मतलब, ये देखो ऊपर, ओ देखो है ना, मस्त लगने वाला है रात में, तो फ़ोटोज़ दिन और रात दोनों ही टाइम पे अच्छी आने वाली है। यहाँ पे छोटी सी जगह भी है जहाँ पे खाने पीने को मिल जाएगा आपको, और जगह अच्छी लग रही है मगर देख लो, वाह मस्त है नहीं। तो भैया ये है अपना कैफ़े, एक ही कैफ़े यहाँ पे खुला हुआ है, कैफ़े भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है जिसमें सिर्फ चिप्स और चाय वगैरह मिल रहे हैं, बाकी लाइट्स ऑन हो गई हैं चारों तरफ सब कुछ, और उस तरफ अभी फाउंटेन की टेस्टिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, तो चल के अभी वो भी दिखाता हूँ। ये देखो भाई ये लिखा हुआ है बांसेरा और काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, ये भी मस्त वाला डिज़ाइन में लिखा गया है, पूरी लकड़ियों का बना हुआ है और इस तरफ पूरा देखो पार्क ही पार्क, काफ़ी बड़ा पार्क। उस तरफ वो हाथी वाथी भी है यार, ओ भाई अब सही जगह आए यार घूमते घूमते, हाँ काफ़ी बड़े बड़े वाइट मार्बल के हाथी बने हुए हैं, वो भी चल के देखते हैं। ये देखो भाई प्यारे प्यारे हाथी बने हुए हैं वाइट वाइट, बहुत अच्छे लग रहे हैं, फ़ोटोज़ इनके साथ भाई मज़ेदार आने वाली है, मतलब ओवरऑल ये पार्क ना इंस्टाग्रामेबल भी कह सकते हो आप, फुल इंस्टाग्रामरों के लिए एकदम मस्त जगह है, इससे मस्त जगह और क्या लोगे। और इस टाइम पे ये ऐसा है जैसे कि वेद वन था ना एक टाइम पे, बहुत फेमस हुआ था नोएडा वाला, बिल्कुल वैसे ही पार्क है, बिल्कुल ललन टॉप, यहाँ पे भी फाउंटेन चलता है, यहाँ पे भी लाइट शो चलता है और बाकी ऐसी ऐसी मस्त मस्त जगहें भी हैं जहाँ पे आप फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा सकते हो। भाई मज़ा आ गया इस पार्क को घूम के, और बहुत बड़ा पार्क है यार, बहुत सारी वैरायटी के फूल हैं, मतलब ये अमृत उद्यान भी हो गया, तो ओवरऑल मज़ा आ गया, मुझे मज़ा आया। अभी नाइट होते होते इंतज़ार कर रहे हैं फाउंटेन स्टार्ट हो जाए, भाई साहब म्यूज़िक फाउंटेन और नाइट लाइट शो सब दिखाएंगे, रंगीन रातों वाला सीन यहाँ पे भी होगा। देखो भाई ये है मेन स्पॉट, बस शाम होने को ही है, देखो सूरज लगभग ढल चुका है और यहाँ देखो बीच में भी एक कुछ
पेड़ लगा हुआ है और ज़मीन उभरी हुई है, बड़ा अच्छा सा लग रहा है, टापू जैसा फील आ रहा है। और शाम की लाइट्स भाई मज़ा ही कहर ढा रही है एक तरीके से, मज़े ही मज़े, हाँ मज़े ही मज़े हो गए इसको देख के। वो हो स्टार्ट हो गया भाई, आखिरकार बहुत देर की मेहनत के बाद रात होते होते माउंटेन स्टार्ट हो चुका है, मज़ा आ रहा देख के। ओए होए होए होए, और लगभग ये बीच वाला 30-40 फीट की हाइट पे जा रहा है, मस्त 50 फीट तक भी हो सकता है, इतना ऊंचा जा रहा है बीच वाला। कैसा लग रहा है ना, मस्त लग रहा है, दुबई दुबई का दुबई वाला फाउंटेन लग रहा है ये तो। आखिर इतने देर के इंतज़ार के बाद ये चीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है, आना चाहिए भाई, मज़ा आ जाएगा आपको। फैमिली के साथ आते, छोटे छोटे बच्चे आएंगे उनको बहुत मज़ा आएगा। मगर शाम को भाई ठंड लगती है इस टाइम पे, तो वो ध्यान रखना कि कपड़े वपड़े लेके आना प्रॉपर पहन के, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, फिर मज़ा किरकिरा हो जाएगा। ठंड काफ़ी लग रही है फिर भी हम बैठे हुए हैं, देखो इस तरफ भी और इस तरफ भी, जनता पूरा मन लगा के बैठी हुई है देखने के लिए, एंजॉय कर रहे हैं लोग। मुझे लगा था जैसे वेद वन में चलता था टेलीकास्टिंग वैसा कुछ होगा, मगर ये सिर्फ म्यूज़िक एंड लाइट शो है और फाउंटेन चल रहा है बस, फाउंटेन म्यूज़िक पे। हाँ हाँ हाँ, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। तो भैया पीछे लेज़र लाइट शो चल रहा है, हम उठ के चले आए। कैसा लगा आपको लाइट शो, उम्मीद है पसंद आया होगा। बाकी ये जो वंसार लिखा है, वंसार बांसेरा बांसेरा लिखा हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और पीछे देखो वो लाइटिंग शो चल रही है अपनी, और बांसेरा अपना, ये भी मस्त लग रहा है। तो रात को देखो ऐसे और खूबसूरत लगने लगता है भाई, मज़ा आ गया देख के। देखो रात में यहाँ का कैफ़े और कैफ़े के आसपास की लाइटिंग्स काफ़ी अच्छी लग रही है। ये अपना बैम्बू वाला पार्क के बीच में जो लकड़ियों का लगा हुआ है, बना हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई। यहाँ फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छे अच्छे लोग खिंचवा रहे हैं। और चलते हैं इस तरफ, यहाँ क्या लगा है, अच्छा सेम ही सेम है लाइटिंग्स। मैं कह रहा था रात की लाइटिंग आपको दिखाऊंगा, तो चल के दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये पार्क पसंद आया होगा, दिल्ली के अंदर बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं और मस्त वाला टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो आइए, तो आ जाइए भैया अपने बॉम्बू पार्क में, और यहाँ पे एंजॉय करिए, आप भी बॉम्बू लीजिए, बॉम्बू का एंजॉय मतलब बॉम्बू से मजे लीजिए। तो देखते रहिए ऐसी दिल्ली ब्लॉग, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में।